और चलिए इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर, जहां फर्जी ईडी की रेट पड़ी है, व्यापारी के घर फर्जी ईडी की रेट पड़ी, कारोबारी के पूछने पर शक हुआ, तीन पुरुष एक महिला फर्जी अधिकारी बनकर के पहुंचे। महिला पुरुषों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताया, भीड़ इकट्ठा देखकर मौके से ये लोग फरार हुए हैं। तो फर्जी ईडी के अधिकारी बनकर के रेट डाला गया, कारोबारी के पूछने पर शक हुआ, तीन पुरुष एक महिला फर्जी अधिकारी बने और ये फर्जी अधिकारी बनकर के पहुंचे थे इस व्यापारी के घर, जिसके बाद पूछताछ में व्यापारी को शक हुआ और फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि मौका देख करके फरार होना, भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन इस रेट डालने वाली जो टीम थी वो मौके देख करके फरार हो गई। तीन पुरुष एक महिला फर्जी अधिकारी बने पहुंचे मथुरा से ये पूरी खबर, जहां महिला पुरुषों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताया और फर्जी ईडी का अधिकारी बन करके वो पैसे हड़पने की कोशिश में थे, लेकिन इस बीच व्यापारी को शक हो गया, पूछने पर व्यापारी को शक हुआ, जिसके बाद पूरा खुलासा हुआ। हालांकि मौका देख करके, भीड़ इकट्ठी देख करके ये जो आरोपी हैं, जो फर्जी ईडी के अधिकारी बन करके आए हुए थे, वो फरार हो गए हैं। अब आगे की जानकारी जुटाने में पुलिस की टीम लग गई है, प्रशासनिक अमला मौजूद है, शिकायत की गई। मैं राधा ऑर्चिड कॉलोनी है, यहाँ एक व्यवसायी के घर पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने अपने आप को ईडी का अधिकारी बताया। उनके साथ एक महिला भी थी और एक व्यक्ति वर्दी में था। उन्होंने कहा कि आपके घर की तलाशी लेनी है और उसका एक फर्जी सर्च वारंट भी इनको दिखाया, परंतु जो गृहस्वामी हैं ये अलर्ट थे, इन्हें डाउट हुआ उनकी बातचीत पे और उस सर्च वारंट पे, तो इन्होंने यहाँ पे हल्ला मचाया। उसके बाद आसपास के लोग भी आए, उन लोगों ने आसपास के लोगों से बातचीत करके भी अपने आप को ईडी का अधिकारी बताया, परंतु फिर उन्हें आशंका हो गई कि यहाँ पे लोग अलर्ट हैं तो ये यहाँ से भाग निकले। और इसी खबर पर अभी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, ये फर्जी ईडी के रेट का पूरा मामला सामने आया है, महिला और पुरुष ने मिलकर के एक व्यापारी के घर में वो रेट डालने पहुंचे, जिसके बाद तमाम खुलासे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी इससे लेकर के, और आरोपी क्या अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? देखिए गर्मा जी, मैं बता दूं कि आज सुबह लगभग 6:30 बजे फर्जी ईडी के अधिकारी बनकर जो है अश्वनी अग्रवाल एक व्यापारी हैं सर्रफा के, उनके यहाँ राधा ऑर्चिड कॉलोनी में पहुंचे, जिनमें तीन पुरुष और एक महिला थी। व्यापारी को पहले उन्होंने जो है फर्जी वो जो है ईडी का सर्च वारंट का वो दिखाया, उसके बाद वारंट दिखाया, जिसके बाद जो है व्यापारी ने जब वो पुलिसकर्मी से पूछा आप किस थाने से आए हो, तो उन्होंने अपना थाना गोविंदपुरम बताया, जबकि थाना वहां गोविंद नगर लगता है, जिसको देखकर व्यापारी को शक हुआ और व्यापारी वहां से जो है सामने ही रह रहे विनोद अग्रवाल मेयर के यहां पहुंचा और शोरगुल किया, तो वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई और भीड़ एकत्रित होने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो ईडी के जो फर्जी अधिकारी बन के आए थे वो वहां से निकल गए, जिसके बाद थाना गोविंद नगर पुलिस मौके पर पहुंची है। मथुरा SSP शैलेश कुमार पांडे द्वारा इसमें 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, लगातार जो है मथुरा पुलिस जो है CCTV खंगाल रही है, वहीं SOG टीम, SWAT टीम और थाने स्तर से लगे अधिकारी जो है CCTV फुटेज खंगालने में लगे हुए हैं। अभी तक क्या जो आरोपी हैं उन्हें लेकर के और भी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से CCTV फुटेज खंगालने की आपने बातें कही है, अब तक तो और भी इससे लेकर की जानकारी आ चुके होंगे दीपक? जी, अभी तक पुलिस जो है CCTV फुटेज खंगालने में लगी हुई है, वहीं सर्विलांस टीम भी एक्टिव हो गई है और सर्विलांस टीम भी लगी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो मथुरा SSP ने इसमें 6 टीमें गठित कर दी गई है और वह इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। ठीक है दीपक, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।